जाना है तो सिर्फ एक कि हम कोहिती नहीं हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक ऐसे वक्त पर जब फिल्म फ्रेटर्निटी से ही कई लोग देश में सहिष्णुता है या फिर नहीं इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अक्षय कुमार एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जिसमें राष्ट्र पर नाज हो, गौरव हो इस बात पर कि तमाम परेशानियों का सामना ये देश, ये मुल्क कैसे एक होकर करता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल छोटी पड़ जाती है जब जज्बा देश का हो और नाज और गर्व देश पर हो। हमारे साथ कई लोग जुड़ रहे हैं, खास मेहमान सीधे अक्षय कुमार, सिद्धार्थ दास, सिद्धार्थ हुसैन हमारे सहयोगी के साथ मुंबई से हमारे साथ है। सिद्धार्थ आप बने रहिए हमारे साथ, शरद कुमार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं जयपुर से, और सतेन चौहान हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ, मनीषा भी हमारी सहयोगी बनी हुई है हमारे साथ। इन सब के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सिद्धार्थ आपके पास आते हुए, क्योंकि एक तरफ इसी बॉलीवुड से कई लोग हैं जो सवाल खड़े करते हैं कि हिंदुस्तान में क्या बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी उस मकाम पर है, ये देश क्या इतना मैच्योर हुआ है कि हर कोई अपने तरीके से जी सके। उसी फिल्म इंडस्ट्री के अक्षय कुमार देश पर गर्व करना, नाज और फख्र अपने मुल्क पर करना सिखाते हैं अपनी फिल्मों के जरिए, एलेक्ट के जरिए। सिद्धार्थ जी, अंजना आपने एकदम सही फरमाया, जहाँ इस वक्त अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात चल रही है और इसी समय अक्षय कुमार फिल्म एयरलिफ्ट लेके आते हैं, और उनसे बात करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब फिल्म देख के आप बाहर निकलेंगे तो हर भारतीय को फख्र महसूस होगा इस फिल्म को देख के और अक्षय कुमार को देख के। तो मैं इस बात में कहूँगा, अक्षय फिल्म पर आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, रिस्पॉन्स आना हो चुका है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और सबसे कमाल का ये रिस्पॉन्स आया है कि किसी ने मुझे, कई लोगों ने कहा कि थैंक यू फॉर एडुकेटिंग अस, हमें तो इसके इस हादसे के बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी, हमें कुछ पता नहीं था। वैसे तो मतलब मैं समझता हूँ किसी को इसके बारे में पता नहीं था, एंड आई एम ग्लैड कि ये सब्जेक्ट जो है हमारे डायरेक्टर राजा जी मेरे सामने लेके आए, एंड वी गॉट अ चांस टू मेक इट एंड सबको दिखाने के लायक हो गए। निमृत, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आपकी दूसरी फिल्म है और खासकर पहली फिल्म में भी आपको बहुत सराहा गया था, तो ये फिल्म, ये एक्सपीरियंस अक्षय कुमार के साथ और ये इतना संजीदा विषय, कैसा रहा सफ़र? जी, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ सिद्धार्थ, कि मुझे ये मौका मिला अपनी सेकेंड फिल्म में एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ जुड़ने का जो एक रियल घटना पे आधारित है। एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है एक ऑडियंस तक ये बात ले जानी, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी एक इवेंट, इतना बड़ा इवेंट, और अक्षय जी के साथ काम करने का मौका मिला मुझे मेरी सेकंड फिल्म में, ये भी बात मुझे बहुत एक इनकरेजिंग, एक बहुत एक बड़ा पड़ाव है मेरे करियर में। लोगों से फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है फिल्म का, लोग बहुत सराह रहे हैं पूरी फिल्म को, सब्जेक्ट को, सब परफॉर्मेंसेस को, और जैसा कि अक्षय ने अभी कहा कि काफ़ी लोग अपने परिवारों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ बच्चे, बड़ों को भी इस सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं था कि ऐसी एक घटना घटी थी, और ये नहीं कि कोई पता नहीं 100-150 साल पहले की बात है, ये अभी कुछ 25 साल पहले की बात है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। अक्षय, फिल्म में ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो देखने के बाद हॉल में जो हैं तालियां बजीं और लोगों को ऐसा, लोग जो हैं जुड़े, जज्बातों से जुड़े, तो आपके पसंदीदा सीन कौन से हैं और कहाँ पे आपको महसूस हुआ खुद की पेट्रियोटिज्म जो है वो इतना है? वैसे मैं आपको बताऊं कि ये फिल्म ही नहीं बल्कि ये पूरा हादसा जब मैंने पढ़ा तो मेरा भी मन किया कि यार ये तो फिल्म को तो बनाना ही चाहिए कुछ भी हो जाए। एंड जब स्क्रिप्टिंग चलती थी मेरे ऑफिस के अंदर तो हम सब लास्ट में खड़े होकर ताली बजाते थे, बिकॉज कि इतनी बड़ी बात, इतनी कमाल की बात हुई और इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। तो और इसके अंदर जो सीन्स हैं, खास करके जो लास्ट के जो 20 मिनट्स हैं, बहुत मज़ेदार है। मैं यही कहूँगा लोगों से कि जो लास्ट 20 मिनट्स हैं आप देखें, और हमने जो मेरा किरदार है, जिस किरदार को मैंने खेला है, उनकी तस्वीरें भी मैंने लास्ट में रखी हुई हैं और भी बहुत सारी तस्वीरें रखी हुई हैं, वो पूरा लास्ट तक देखें कि उस वक्त क्या क्या हुआ था, कैसे लाइन लगी थी अंदर जाने के लिए, कितना भीड़ थी, 1,70,000 लोगों को बचा के लाना एयर इंडिया के कमर्शियल पायलट ने, मतलब बहुत 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 बड़ी बात करके दिखाई थी। देखिए ना, बर्लिन में 48,000 लोगों को उन लोगों ने बचाया था, वो भी 2 साल के अंदर, और हमने 1,70,000 लोगों को बचाया, वो भी 59 डेज के अंदर, तो बहुत बड़ी बात हुई है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जयपुर से हैं शरद, उनसे पूछते हैं वहाँ पे लोगों का क्या रिस्पांस है। शरद, आप बताएं वहाँ पर लोगों का क्या रिस्पांस है और किस तरीके से लोग फिल्म देख के रिएक्ट कर रहे हैं?
देखिए अक्षय कुमार के लिए अच्छी खबर है कि और उनसे आप कहें कि अगर वो अक्षय कुमार से कोई सवाल पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं, अक्षय हमारे साथ हैं। निश्चित रूप से हर तबके के लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कुवैत के जो नागरिक रहते हैं इंडिया में, जयपुर में बड़ी संख्या में देखने आए हैं। उनमें से एक महिला है जो इंडियन फिल्म की फैन है, वो देखने आई है। व्हाई डिड यू कम टू चूज टू वॉच दिस मूवी? बिकॉज इट्स रिलेटेड टू माय कंट्री एंड आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी विद माय फैमिली। ये बेहद खुश हैं कि इनकी कंट्री से रिलेटेड कोई फिल्म आई है, इसे देखने आए कुवैती नागरिक। बाकी जो यंगस्टर्स उनसे बातचीत करते हैं, हमारे साथ अक्षय कुमार सीधे जुड़े हुए हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? हाय अक्षय, वी लव यू अक्षय, वी नेवर मिस योर शो नेवर, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द मूवी एलिफ, आई एम जस्ट गोना वॉच इट नाउ। सर आपका नाम क्या है? जी अंशुल शर्मा। आपको बताना चाहूंगा लिफ्ट देखने आए हैं आप? जी जयपुर में कुवैत से कुछ लोग हैं, उन्होंने फिल्म देखी और सर जिस प्रकार की देशभक्ति से जुड़ी फिल्में आजकल काफी कम देखने को मिलती है, अक्षय सर हमारे लिए बिल्कुल आइडल हैं, इनकी रेगुलर मूवीज हम देखते हैं और देखिए इस प्रकार की देशभक्ति का जज्बा होता है इनकी फिल्मों में, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। ऐसे स्टार को हमारा सलाम है सर, ऐसी फिल्में बननी चाहिए, रिव्यूज अच्छे थे, अभी बस हम जा ही रहे हैं। अजय सिद्धार्थ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर भावुक हैं और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति मिल गए मुझे जो हमेशा कुर्ता पजामे में रहते हैं, नेता हैं, वो भी देखने आए हैं। आप भी पिक्चर देखते हैं या एयरलिफ्ट के लिए आए हैं? केवल एयरलिफ्ट के लिए आया हूँ, क्योंकि ये रंजीत कात्याल की एक सच्ची कहानी है और ये रियल स्टोरी पर मूवी बनाई गई है और बहुत शानदार मूवी है। मैं मूवी अभी देख के आया हूँ और मैं इसको 10 में से 10 नंबर देता हूँ। आप अक्षय कुमार जी से कुछ कहना चाहेंगे? सीधे जुड़े हुए हैं आप, सीधे उनके शरद मैं आपको यहाँ रोकूंगा, मैं ये बात जो है शरद मैं आपको रोकूंगा, मूवी का बहुत अकाल है इस समय, और मैं अक्षय से ये बात बताना चाहूंगा जो रिएक्शन मिल रहा है मैं उनको बताता हूँ ताकि वो उस पर रिएक्ट कर सके। अक्षय अभी वहाँ पे कुछ लोग हैं, शरद ने बात करी है और लोगों का कहना है कि हम इस फिल्म को 10 में से 10 पॉइंट्स देते हैं और बहुत सारे लोग काफी भावुक भी हैं और खासकर कुवैत से एक औरत है जिनका ये कहना है कि मैं खासतौर से यहाँ पर इसलिए रुकी कि मैं फिल्म देख के फिर जाऊँ। वेल बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई एम श्योर कि आपको वो सारे पुराने दिन याद आए होंगे जो ये चीज़ें हुई हैं। जैसे कि मैं सुनने वालों से यही कहूँगा कि ये जितनी भी आप चीज़ें इस फिल्म को आप ज़रूर देखें, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ये वाकई में ये घटना घटी थी और ए टू जेड हमने ये पूरी कोशिश की है कि वैसा ही दिखाएं जैसा कुछ हुआ था। हमें बहुत सपोर्ट मिला, एक हमने जो जगह पे जहाँ शूट किया हम कुवैत में तो कर नहीं पाए थे, लेकिन रसल खेमा करके एक जगह थी वहाँ शूट किया हमने इस चीज़ को और बहुत सपोर्ट मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को ये अच्छी लग रही है फिल्म और 10 में से 10 तो मेरी ज़िंदगी में मैंने आज तक नहीं सुना इतना, तो मेरे करियर में इतना नहीं हुआ, सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनूप आपसे पूछना चाहेंगे वहाँ का रिएक्शन क्या है, बताएं वहाँ पे लोगों से बात करें आप। अनूप सत्येंद्र चंडीगढ़ से माफी चाहूंगा, सत्येंद्र आप दर्शकों से बात करें, बताएं उन्हें कैसी लग रही फिल्म और उनसे पूछें अगर वो अक्षय से कुछ सवाल पूछना चाहें, निमृत से सवाल पूछना चाहें, वो हमारे साथ हैं जी। देखिए बिल्कुल सिद्धार्थ, मैं बताना चाहूंगा कि हम सिनेमा हॉल के सामने ही खड़े हैं और यहाँ पर शो जो है शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद काफी तादाद में अक्षय कुमार के फैन यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबसे पहले ये बताइए, अक्षय कुमार हमारे साथ सीधे लाइन पर हैं, आप उनसे कुछ बात करना चाहेंगे, कोई सवाल करना चाहेंगे? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कमर्शियल मूवीज की तरफ कम एंड नेशनल मूवीज, मतलब जो नेशनल इंटीग्रेटेड मूवीज होती है आप उनकी तरफ ज्यादा जाते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है या मतलब आप एज की वाइज आप इतना वो कर रहे हैं? सिद्धार्थ इनका सवाल ये है कि कमर्शियल मूवी की बजाय आप देशभक्ति को प्राथमिकता दे रहे हैं। जी अक्षय चंडीगढ़ से सवाल है हमारे एक दर्शक का, उनका ये कहना है कि आप कमर्शियल मूवीज को अब उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितना देशभक्ति की फिल्मों को दे रहे हैं, तो ये वजह जो है वो इसलिए आई है कि वक्त के साथ साथ अलग अलग किस्म के बदलाव ला रहे हैं आप? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं देश के ऊपर हो चाहे रॉ के ऊपर हो चाहे नेवी पे हो चाहे कमर्शियल सिनेमा हो, मैंने सिंग इज ब्लिंग भी की थी, अब इसके बाद मेरी फिल्म आने वाली है हाउसफुल 3, तो मैं हर किस्म की सिनेमा करना चाहता हूँ, हर चीज़ हर
चीज में मैं अपने आप को आजमाना चाहता हूँ, हर जॉनर में आजमाना चाहता हूँ। ये एक इत्तेफाकी बात है कि ये फिल्म मेरे पास आई एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड दिस फिल्म। मनीषा भी हमारे साथ मुंबई से हैं। मनीषा, यहाँ मुंबई में क्या रिएक्शन है, जिस तरह का जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है हमको जयपुर से और चंडीगढ़ से, आप बताएं, श्रोताओं से बात करें, पूछें कि क्या रिएक्शन है, कैसी लग रही है फिल्म? बिल्कुल सिद्धार्थ, हम सुबह से बने हुए हैं यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगी कि सुबह से सारे शोज हाउसफुल चल रहे हैं और काफ़ी तादाद में यंगस्टर्स जो हैं देखने के लिए आ रहे हैं। हमने कुछ यंगस्टर्स को रोकना ज़रूर चाहा, लेकिन वो इतने उत्सुक थे एयरलिफ्ट देखने के लिए कि उन्होंने कहा कि वो बाद में हमसे बात करेंगे। मैंने उनसे बात करी और कई सारे जो लोग हम सुबह से देखते हुए आ रहे हैं कि वो उनके लिए बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंस्पिरेशनल फिल्म रही है। ठीक है मनीषा, अभी आप हमारे साथ बने रहे हैं, कुमार की परफॉर्मेंस को वो हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़, जयपुर और मुंबई से सारे संवाददाता बने हुए हैं। मनीषा, हम आपसे ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक में जाने से पहले सिर्फ ये कहेंगे अक्षय कुमार से कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हर तरफ से आ रहा है। अक्षय कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अक्षय, जिस किस्म का हर शहर से रिस्पॉन्स आ रहा है तो जाहिर है आप गदगद होंगे, आप अपने डायरेक्टर से कुछ पूछना चाहेंगे? मैं डायरेक्टर से अपने यही पूछना चाहूंगा कि डायरेक्टर साहब, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं ही ये फिल्म को कर सकता हूं, मैं ही रंजीत कटियाल का रोल कर सकता हूं, जो आप आए थे मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेके? सर, पहली बात तो अक्षय से बड़ा स्टार तो है नहीं कोई दूसरी बात यह है कि इनका जो किरदार है, इनका जो बेसिक जो रंजीत कटियाल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्चुअली ऑलरेडी अक्षय में मौजूद है, तो मुझे लगा कि ये आसानी से उनका जो वो पकड़ पाएगा और अक्षय ने हाँ बोल दिया तो मतलब उसके बाद। अक्षय, आपको लगता है कई बार ये बाधा हो जाती है, आप इतने बड़े स्टार हैं कि लोग जो हैं वो झिझकते हैं आपके पास आने के लिए कि पता नहीं ये करेंगे नहीं करेंगे, आप क्या अप्रोच होती है? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसमें एक पैसे का सच नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और मैं जब से इस इंडस्ट्री में आऊँ करीबन 22 नए डायरेक्टरों के साथ काम कर चुका हूँ, तो 22 नए डायरेक्टरों के साथ अपने करियर में 25 साल के करियर में काम करना, तो आपको इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आएगी कि मेरे पास कोई झिझकता है। जिसके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट होती है और मुझे अगर वो स्क्रिप्ट अच्छी लगे, मैं बिल्कुल नहीं झिझकता हूँ करने के लिए। अक्षय, मैं माफी चाहूंगा, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा वक्त की कमी की वजह से। आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें आज तक। ये खबर, बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में सूटकेस में लाश मिलने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है, लड़की की शिनाख्त तो हो चुकी है, हत्या के पीछे किसका हाथ है इसका खुलासा नहीं हो सका है। What's so good about Netflix? Well, there's a lot to love about Netflix. Arguably, after YouTube, Netflix is perhaps the most well-known